हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने कल पूछा था कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बहुत सारे कमेंट आए, उन कमेंट में से मैंने ये वाला टॉपिक निकाल के आपके लिए आज वीडियो बना दिया है। राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड 2017 जो अभी 29 तारीख को हुए हैं, इसके रिलेटेड मैंने छत्तीसगढ़ में जो खेल दिवस मनाया गया था उसका अवार्ड, मैंने अवार्ड वाला जो वीडियो वो मैंने बना दिया। अब ये जो राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड जो 29 तारीख को ही हुआ है, खेल दिवस के दिन, ठीक है, उसका वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड 2017। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग सिर्फ एक क्लिक नहीं कर सकते यार, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है यार। चैनल ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा तो मुझे अच्छे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, आप समझ नहीं रहे, मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, अकेले मेहनत करता हूँ। ठीक है, इसके लिए रात रात भर पढ़ना पड़ता है, 4 घंटे पे वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप सिर्फ एक एक सेकंड का एक क्लिक नहीं कर सकते यार, तो सिर्फ एक सेकंड का एक क्लिक, ये वीडियो के नीचे सा लाल कलर का बटन है, इसे सिर्फ दबाना बस। तो है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको लगातार कंटिन्यू छत्तीसगढ़ के वीडियो चाहिए, जो भी आप बोल रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, रेगुलरली बना रहा हूँ, रेगुलर अपडेट कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए एक इतना सा नहीं कर सकते क्या? एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते? सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, और एक लाइक करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वीडियो बनाते जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ एग्जाम से रिलेटेड, CGPSC हो, CGVAPAM हो, CGFOREST हो, और CG पुलिस के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल जो है, हमारा ना, हमारा और आपका जो चैनल है ये भार्गव क्लासेस, ये छत्तीसगढ़ का टॉप चैनल बन जाए। ठीक है, टॉप यूट्यूब चैनल बन जाए, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तभी बनेगा। ठीक, तो आप मेरे लिए सिर्फ एक सेकंड का ये बटन दबा दें, और आपके लिए मैं जितना बोलेंगे उतना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए विलंब न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त 2017 को। अब क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त 2017 को? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2017 को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक, दुनिया भर में हॉकी के खिलाड़ी या जादूगर के नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है, महान वह खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया था। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, ये राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में आपको पता चल गया, 29 अगस्त 2017 को क्यों मनाया जाता है, और इस दिन क्या हुआ था, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन अवार्ड में, या जो ये अवार्ड मिलते हैं, ये पुरस्कार मिलते हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है खेल के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये किस लिए दिया जाता है, ठीक, वो देख लेते हैं पहले। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपये पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। ठीक है, पहले इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे 2004 तक, उसके बाद ये बढ़ाकर राशि कितनी कर दी गई, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, एक और छोटा सा देख लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो पुरस्कार संबंधी सूचना, प्रकार है सिविलियन, वर्ग है स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल या टीम, एकल या टीम, ठीक है, ग्रुप, स्थापित हुआ था ये 1991-92। ठीक है, ये डेट अच्छे से याद रखिएगा, कब स्थापित हुआ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 1991-92। प्रथम अलंकरण इसका समारोह हुआ 91-92। ठीक है, प्रदाता यानी कौन इसको प्रदान करता है, तो भारत सरकार इसको प्रदान करती है। ठीक है, नगद राशि कितने हैं, 7.5 लाख रुपए, ये सब याद करना है आपको। विवरण, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, शतरंज के खिलाड़ी हैं बहुत बड़े। ठीक है, तो ये हो गया एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में। अब 2017 में किन्हें दिया गया है, तो आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, हॉकी के खिलाड़ी हैं, पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह, बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017। ठीक है, और दूसरे हैं देवेंद्र झांझरिया,
इनके बारे में आप लोग शायद ही सुने हो या बहुत सारे लोग जानते हो। पैरालंपिक क्या करते हैं? जेवलिन थ्रो। अभी जेवलिन थ्रो क्या होता है? भाला फेंक, आपने स्कूल में सुना होगा, ठीक है, भाला होता है उसको फेंका जाता है। उसके ये महानतम खिलाड़ी हैं। 2016 रियो ओलंपिक, पैरा रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। इनके बारे में एक बार आप गूगल पे जाकर पढ़िएगा जरूर, ठीक है, बहुत मोटिवेशन आपको मिलेगा इनसे, देवेंद्र झंझरिया जी से, ठीक है। जेवलिन थ्रो माने भाला फेंक होता है। इनके लिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक अवार्ड ट्रॉफी और 7.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया था। तो ये दो लोगों को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्जुन अवार्ड। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, ये 4 सालों का खेल देखा जाता है, 4 साल, ठीक है, 4 साल के खेल के आधार पर दिया जाता है, किस प्रकार आपने खेला है, ठीक है, 4 साल। तो इसके बाद में दूसरा है अर्जुन अवार्ड, बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। इससे क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये 1 साल के खेल के अंदर जो 1 साल में प्रदर्शन होता है उसके अनुसार ये दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की नगद राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, इस टाइप की जो कांस्य की प्रतिमा होती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, पुरस्कार संबंधी सूचना, वर्ग जो है ये खेल व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खेल में दिया जाता है, ठीक है। स्थापित हुआ था ये 1961 में, पूछा जा सकता है। प्रथम अलंकरण है 1961। कुल प्राप्तकर्ता अभी तक 700 लोगों को मिल चुका है, ये गूगल के हिसाब से, ठीक है। प्रदाता है भारत सरकार। कितनी राशि नकद मिली जाती है? तो 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। अब 2017 में किन किन खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला नाम है इनके अंदर में वी जे सुरेखा, ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। फिर है सुखबीर कौर, ये एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। ओ रोकिया राजीव, ये भी एथलेटिक्स, ठीक है। प्रशांति सिंह बास्केटबॉल, सूबेदार लैश राम, देवेंद्रो सिंह मुक्केबाजी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। चेतेश्वर पुजारा, इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट। हरमनप्रीत कौर, ये अभी अभी मैं इनका भी फैन बन गया हूँ, जब से अभी इनका क्रिकेट का मैच देखा था सेमीफाइनल वाला जिसमें इन्होंने बहुत रन मारे थे। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट, ठीक है। ओई नाम बेम बेम देवी, ये फुटबॉल। SSP चौरसिया गोल्फ। SV सुनील हॉकी। जसवीर सिंह कबड्डी, कबड्डी प्रो चल रहा है उसमें देखिएगा जसवीर सिंह को। PN प्रकाश शूटिंग, शूटिंग का मतलब है निशानेबाजी। ए अमलराज टेबल टेनिस। साकेत मिनेनी टेनिस। सत्यव्रत कादियान कुश्ती। मरियप्पन पैरा एथलेटिक्स। वरुण सिंह भाटी पैरा एथलेटिक्स। ये दोनों नाम आप अच्छे से याद करिएगा, ये क्वेश्चन से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मरियप्पन या वरुण सिंह भाटी से, ठीक है। तो ये है 17 लोगों को इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं क्या था। द्रोणाचार्य पुरस्कार, नाम से ही पता चलता है कि गुरुओं को दिया जाता होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देख लेते हैं, 1985 में प्रारंभ किए गए थे। यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षक को दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। हर साल अधिकतम 5 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर में पहला नाम है इस साल जो 2017 में दिया गया, स्वर्गीय डॉक्टर आर गांधी एथलेटिक्स। हीरानंद कटारिया कबड्डी। फिर है GSSV प्रसाद बैडमिंटन। फिर है श्री ब्रिज भूषण मोहंती बॉक्सिंग। फिर है श्री PL रफायल हॉकी। श्री संजय चक्रवर्ती निशानेबाजी। और रोशन लाल, श्री रोशन लाल कुश्ती। तो ये 7 लोगों को इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके नाम आप अच्छे से नोट्स बनाकर रखिएगा। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये पूरा का पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारी साइट देखिए, ये जो है www.bhargavclass.com पर आज मैं ये डाल दूंगा इसका PDF, तो आप चाहे तो ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं डाउनलोड। तो ये अर्जुन अवार्ड हो गए, उसके बाद में ये द्रोणाचार्य अवार्ड हो गए। अब उसके बाद में देख लेते हैं ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। तो ध्यानचंद अवार्ड किस के लिए मिला जाता है वो भी देख लेते हैं। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेलकूद में जीवन भर आजीवन उपलब्धि के लिए 2002 में शुरू किया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। ध्यानचंद पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ध्यानचंद पुरस्कार
अपने शानदार खेल में, खेल कूद के क्षेत्र में योगदान करने और सक्रिय खेल जीवन में अवकाश प्राप्त करने के बाद भी, यानी कि आपने रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद भी खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, योगदान जारी रखने के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वालों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 5 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इस साल जो मिला है वो इन 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो श्री भूपेंद्र सिंह एथलेटिक्स, सैयद साहिद हकीम फुटबॉल और सुमरई टेटे महिला खिलाड़ी हैं। इनका नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिए, 110% इस साल के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। सुमरई टेटे महिला हॉकी खिलाड़ी को ध्यानचंद अवार्ड जो दिया गया है, 110% पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। और मैंने अभी बता दिया कि bhargavclass.com पर जाकर आप इसका PDF भी मैं आज शाम तक डाल दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।